हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज यूपीपी जीटी टीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, उसी क्रम में आज आर्ट का पार्ट टू लेकर आई हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली जो आर्ट के सीरीज़ हैं वो अवेलेबल करा सक पाऊँ। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई अदर फ्रेंड हो जो अदर सब्जेक्ट से हो, तो आप उसको भी हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये सीरीज़ की खास बात यह है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को देखते हुए आधार बनाकर बनाई गई है। अगर आपने इसका पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो आप इसका पार्ट वन भी देख लें। और आज हम पार्ट टू से शुरुआत कर रहे हैं, और हमने आपसे बोला है कि हम इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी सीरीज़ आपको कम्प्लीट कराएंगे। तो पहला है आपका, आप अपना पढ़ाई करते रहा करिए और टेस्ट सीरीज़ का वेट करा करिए। टेस्ट सीरीज़ जैसे ही आएगी तो आपका टेस्ट तुरंत हो जाएगा, इनफैक्ट उसके साथ साथ आपके कुछ नए क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? आपको इसका आंसर देना है मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, मिर्जापुर। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, मिर्जापुर। यहाँ पर उत्तर भी आपको दिया है, आप चाहेंगे तो हम इसका पीडीएफ भी आपको जल्द ही टेलीग्राम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको हम उपलब्ध कराएंगे। आगे बात करते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। धर्म संबंधी है, आखेट संबंधी है, युद्ध संबंधी है या प्रकृति संबंधी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, आखेट संबंधित। आखेट संबंधित, आखेट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप इसका उत्तर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आगे बात, आप बिल्कुल ऐसे समझा करिए कि आपकी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। फिर देखते हैं बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं, और इनमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हमने उठाए हैं जो आ सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो आपका इसका सही उत्तर होगा उत्तर, सही उत्तर होगा आपका भी मध्य प्रदेश। बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। सी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, ये गुफाएं होगा गुहाएं नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? तो इसका उत्तर देना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, इसका सही उत्तर होगा आपका डी, मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव तक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स को डिस्कस करेंगे। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है? मूर्तिकला है, मंदिरों का निर्माण है। आपको पता होना चाहिए कि आर्ट और कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग चाहें तो हिस्ट्री के भी वीडियोस, हमारे मॉडल पेपर के जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। आर्ट वाले स्टूडेंट को हिस्ट्री वाले पेपर से भी बहुत लाभ मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। तो आप वो भी पेपर देखेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या काष्ठकला? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, मंदिरों का निर्माण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। तो क्वेश्चन नंबर एट है आपका, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? जल्दी से बताइए। गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9? जल्दी से बताइए। तो अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, गुफा संख्या 17। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, आपका 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी? इसका सही उत्तर देना है आपको। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, 7वीं शताब्दी। बिल्कुल स्पीड में रहेंगे, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वरना आप कोशिश करिए कि आप जितनी स्पीड में आंसर देंगे उतना आप क्या होते जा रहे हैं, अपने सीट पाने के तरफ एक जो कदम है आप उठाते चले जा रहे हैं। फिर हम महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 14th में, 16th में, 17th में या 21st में? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आपका उत्तर होगा सी,
सत्रहवीं में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्रण किस गुफा में प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा या बादामी गुफा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा, सब आए हुए प्रश्न हैं और ये बार बार आने वाले प्रश्न हैं, बादामी गुफा। इसका सही उत्तर होगा आपका बादामी गुफा। अगर पढ़ाते वक्त उत्तर में कोई भी गलती हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उससे रिलेटेड कमेंट पिन कर देंगे। क्रिटिसाइज मत करिएगा क्योंकि हमें इतने सारे प्रश्न बोलने होते हैं, हमें अदर सब्जेक्ट के भी जो टेस्ट सीरीज है लानी होती है, तो हो सकता है कि बीइंग अ ह्यूमन हमसे भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे सुधार लेंगे। आगे बात करते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम क्या था? अमोघवर्ष, दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम या विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर का सी, 12 का उत्तर सी होगा, कृष्णराज प्रथम, कृष्णराज प्रथम। ऑल राइट, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सित्तनवासल में, सिगिरिया में, जोगीमारा में या खजुराहो में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, खजुराहो में। सही उत्तर होगा डी, खजुराहो में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अगर आपको बाय चांस उत्तर थोड़ा बहुत दिख भी जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उत्तर इसलिए मेंशन किया कि जो अगर मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊं तो आप आसानी से उसके उत्तर को देख पाएं। ठीक है, बाकी आपको उत्तर देखने की जरूरत नहीं, पहले आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में होना चाहिए। चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। किसने करा ये आप हमें बताएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? कांची, एहोल, महाबलीपुरम या चेन्नई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, महाबलीपुरम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है, ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण और पशु पक्षी का चित्रण। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, पाल शैली। अगर आप पहले से उत्तर देख लेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपका ध्यान नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो मैं छुपा देती हूँ उत्तर, लेकिन कभी कभी जोश में मेरा उत्तर दिख जाता है, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, जैन शैली। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, जैन शैली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी या जयपुर ईरानी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, राजस्थानी पहाड़ी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, बूंदी शैली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किशनगढ़ ने के कवि कलाकार कलाम मृग्य शासक का नाम है, क्या नाम है आपको बताना है, कभी कभी बिना ऑप्शन के भी बता दिया करो। सुनो, मान सिंह, सावन सिंह, संसार चंद, हरि सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, सावन सिंह। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, सावन सिंह। कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती मजाक करते हुए पढ़ना चाहिए आप सभी को, ताकि आपको पढ़ाई करने में मजा आए। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी बनी की बनी ठनी की चित्र शैली है, कोटा बूंदी शैली में, कांगड़ा शैली में, किशनगढ़ शैली में या मुगल शैली में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, किशनगढ़ शैली में। वाकई में बताऊँ तो मुझे आप लोगों को पढ़ाने में, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सीरीज लाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी आपकी जॉब के लिए आपके साथ थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, तो आपकी जॉब लेने में मैं भी थोड़ा सा सहयोग कर पा रही हूँ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बस आप भी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और क्रिटिसाइज करने की जगह अपना प्यार भरा सजेशन देंगे तो हम बिल्कुल उसे अपने वीडियोस में लाएंगे। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? राम, कृष्ण, शिव या देवी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, कृष्ण। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, कृष्ण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। साझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या कपड़े पर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, भूमि पर। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, भूमि पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव, छतर,
सिंह के, राव भाव सिंह के, सवाई जय सिंह के, या राव उमेश सिंह के? तो जल्दी से इसका उत्तर देना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, राव उमेश सिंह को। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आर्ट इजी सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल भी इजी सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर जिनको ये लगता है उनको ये पेपर दिखा दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई सीरीज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार।